हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश 101 जी। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक जो लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे एयरफोर्स एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी के हों, चाहे आरपीएससी असम हो, असम के आरपीएससी के एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स में पटवारी, एसटीसी, बीएसटीसी, बीएड, सब तरह के एग्जाम्स में इनका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आज हम सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो कंजंक्शंस होते हैं, सो दैट और टू टू, इनका यूज सीखेंगे। सो दैट टू टू, सो दैट फ्रेंड्स, इसका अर्थ होगा सो यानी इतना, दैट यानी की, क्योंकि इतना ज्यादा की ऐसा नहीं हो सकता। हम इन दोनों को अलग अलग लेते हैं, पहले सिर्फ सो दैट पर ही हम फोकस करेंगे। ये जहां यूज होगा फ्रेंड्स, उस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव विशेषण होगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। एडजेक्टिव हम जानते हैं, पहले मैं वीडियोज भी आ चुके हैं उसके बारे में। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी सेंटेंस को स्पेसिफाई करे, मॉडिफाई करे, किसी वर्ड को, नाउन को या प्रोनाउन को, तो वो एडजेक्टिव होता है। तो जैसे इस सेंटेंस को अगर आप देखें कि राजन इज वेरी वीक, वीक राजन कैसा है, वीक कमजोर, तो ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। तो अपने को अगर सोचा कि टू टू का यूज करना है, तो पहले पहचानना होगा कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, तो हम यूज कर पाएंगे। तो अभी लेते हैं सो दैट। तो दो सेंटेंसेस हैं, आपको इसको एक सेंटेंस बनाना है, इनको सिंथेसाइज करना है, ज्वाइन करना है, दोनों को कंबाइन करना है, सो दैट का यूज करके। तो कैसे करेंगे, आपने जब एडजेक्टिव पहचान लिया कि ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले अगर वेरी या सो आया, वेरी आया हुआ या, तो उसको हटा करके उसकी जगह सो लग जाएगा और इसके बाद में दैट लग जाएगा बस, और ये सेंटेंस दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ करके सेंटेंस बन जाएगा, राजन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो ये जो एडजेक्टिव था वीक, ये के, इसके आगे और पीछे हमने सो दैट लगा दिया, समझा नहीं? तो इस तरह से सो दैट से दो सेंटेंस को कंबाइन करके हमने एक सेंटेंस यूज कर लिया। अच्छा फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि टू टू का यूज कैसे करते हैं, टू टू का यूज कैसे करते हैं। तो टू टू अगर यही सेंटेंस है, वापस इसी को हमें टू टू का यूज करके बनाना है। सेंटेंस है राजन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो इसमें भी फ्रेंड्स अपने को एडजेक्टिव को पहचानना पड़ेगा, पर एडजेक्टिव से पहले जो वेरी लगा हुआ है वहां पर टू लग जाएगा, ठीक है? जैसे राजन इज टू वीक, बहुत ज्यादा वीक है। अब इसके जस्ट बाद टू लगेगा, लेकिन उसके बाद एक तो देखो राजन के लिए ही आया हुआ है, तो ये ही कट जाएगा। दूसरा इसमें कैन नॉट नहीं आ सकता, ये टू टू जो है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, तो इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैन नॉट ये है, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो ही तो इसकी आज्ञा, क्योंकि राजन के लिए ही आया है, कैन नॉट हट जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव मीनिंग खुद टू देता है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगी उससे पहले टू लग जाएगा। तो राजन इज टू वीक टू रन फास्ट, इसका मीनिंग ये हुआ राजन इतना कमजोर है टू रन फास्ट की दौड़ नहीं सकता। इधर उसमें कहीं पर भी नॉट नहीं आया हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब मीनिंग नेगेटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है, मीनिंग नेगेटिव देता है, ठीक है ना? तो ये एक तरह से आपने जो एक नेगेटिव सेंटेंस था मान लो, तो उसको आपने पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिर मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अगर ये सेंटेंस होता ना फ्रेंड्स कि राजन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, अगर इसी को कह देते कि इसमें टू टू का यूज करके वापस लिखो, तो सेंटेंस यही बनता। क्यों? राजन इज सो की जगह वो टू आ जाता, ये वाला सो की जगह, और वीक आ गया, इसके बाद जो दैट लगा होता दैट को सो के साथ लगा होता, ही राजन के लिए है, नॉट लगता नहीं है, यहां पर दूसरा टू लगता था और रन फास्ट, तो सेम सेंटेंस ये बनता। मतलब दो सेंटेंस दिए उनको कंबाइन करना हो टू टू से, तो भी ऐसे बनेगा। एक सेंटेंस दिया हो सो दैट वाला, तो सो दैट हट करके उनके लिए टू टू लग जाएगा और वापस सेंटेंस यही बनेगा, समझ रही बात? एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, सो दैट वाला सिंगल सेंटेंस वाला और एग्जाम्पल लेते हैं कि इसको टू टू में कैसे कंबाइन करना। जैसे कि जयपुर इज सो लार्ज, सेंटेंस है दैट यू कैन नॉट विजिट इट इन अ डे, जयपुर इतना बड़ा है कि आप एक दिन में इसको पूरा विजिट नहीं कर सकते। तो अगर इसको अपने को टू टू का यूज करना है फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे? तो जयपुर इज, जहां सो आया हुआ है वहां पर टू लग जाएगा, समझ लगे ना? तो ये तो अपने को पता है जयपुर इज टू लार्ज, क्योंकि लार्ज वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। जयपुर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, दैट हट जाएगा, सो के साथ आएगा। अब देखो जयपुर और यहां पर आएगा यू, जैसे यहां पर तो राजन के लिए ही यूज हुआ था, तो हमने ही को काट दिया क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ, लेकिन यहां पर जयपुर के लिए तो यू यूज हुआ नहीं, ये अलग सब्जेक्ट है, तो ये कट नहीं सकता, इसको हम काट नहीं सकते। तो जयपुर इज टू लार्ज, तो इससे पहले फॉर लगाएंगे और वापस इसको ले देंगे, टू लार्ज फॉर यू, आपके लिए इतना बड़ा है, कैन नॉट हट जाएगा, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उससे पहले टू लग जाएगा, टू विजिट इट एंड अ डे,
अब देखते हैं फ्रेंड्स कि टू टू वाले सेंटेंस हम तो टू को हटाते कैसे है, कि कई बार आता है रिमूवल ऑफ टू, कि टू को कैसे हटाए किसी सेंटेंस में यूज हो सकता हूं। ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे गोल इज टू पू एक्सपेंसिव फॉर द पूअर टू परचेज, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ टू, ये टू हटाइए, या यही क्वेश्चन आ गया कि ट्रांसफॉर्मेशन है इसको नेगेटिव बनाइए, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव में चेंज कीजिए, मीन्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन का वाला क्वेश्चन है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसको नेगेटिव में चेंज कीजिए, ये पॉजिटिव है लेकिन इसको नॉट लगा के नेगेटिव बनाइए। तो कैसे बना सकते हैं, तो गोल्ड इज टू एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव वाला सेंटेंस है तो आपको इसको सो दैट में चेंज करना होगा, यहां पर हो सकता लिखा नहीं हो लेकिन टू हटाना है तो इसकी जगह सो लिखेंगे, एक ही सेंटेंस रखना है और नेगेटिव में अपने आप नॉट लग जाएगा वापस। कैसे, गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, इतना एक्सपेंसिव है फॉर द पुअर, ये किसके लिए, पुअर के लिए, गरीबों के लिए, द पुअर, यानी कि ये जो द पुअर है वो सब्जेक्ट था अगले सेंटेंस का, इससे पहले हम दैट लगा देंगे और अगला सेंटेंस शुरू करेंगे, दैट द पुअर, पुअर हम देखो दूसरा टू लगा देते, कैन नॉट को हटा के लगा देते, वो कैन नॉट वापस आ जाएगा, कैन नॉट परचेज, हम देखो टू 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 हट गया, इसके लिए सो और दैट आ गया, सो और दैट का प्रयोग एडजेक्टिव के आगे पीछे होता है, गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव दैट द पुअर, फॉर हट गया, तो फॉर तो टू टू का यूज करते वक्त लगा था जब सब्जेक्ट चेंज नहीं हो, तो फॉर हट गया, गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव दैट द पुअर, ये टू भी हट जाएगा, ये टू हटेगा तो ये भी हटेगा, इसलिए कैन नॉट हटेगा, कैन नॉट परचेज इट, समझा गया। अब आप कर सकते हैं ऐसे, तो एक एक्सरसाइज देखते हैं, रिमूवल ऑफ टू, टू को हटाना कैसे है, किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए ये जो टू है इसको हटा के हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमने सीख लिया है, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, राधिका इज टू बिजी टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, जब टू को हटाएंगे तो ये टू भी हटेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, टू की जगह आप कोई दूसरा वर्ड लगा सकते हो, है ना, अगर दो बार टू आया हुआ है तब तो सो और दैट यूज कीजिए, अगर एक बार किसी सेंटेंस में टू आया हुआ है तो इसकी जगह आप वेरी, एक्सट्रीमली, ऐसे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं, राधिका इज टू बिजी मीन्स राधिका इज सो बिजी, सो बिजी, और दूसरे टू की जगह दैट आ जाएगा, दैट अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये राधिका के लिए यहां पर शी वर्ड दिखा हुआ था जो हटा दिया था, और इस टू की जगह कैन नॉट मीन्स अगर दूसरा टू है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो इसके लिए प्रनाउन शी, यहां पर दूसरा मेल नेम होता तो हम ही भी यूज कर सकते थे, और कैन नॉट लग जाएगा वापस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अटेंड, मीन्स राधिका इज टू बिजी टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, योर बर्थडे पार्टी, अंडरस्टूड, राधिका इज सो बिजी दैट शी कैन नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी, वो अटेंड नहीं कर सकती इतनी बिजी है। जॉन इज टू ईगर फॉर हिज प्रमोशन, अब यहां पर टू के साथ दूसरा टू तो नहीं है ना, दूसरा टू आता तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, तो ये बहुत इजी है, इस टाइप का सेंटेंस, आप सिर्फ टू को हटा के इसी जगह वेरी लिख दीजिए या एक्सट्रीमली लिख दीजिए, ठीक है। जॉन इज वेरी ईगर फॉर हिज प्रमोशन, जॉन इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर हिज प्रमोशन, सेम हियर, यहां पर भी ऐसे ही, किरण इज टू प्राउड ऑफ हर लॉन्ग हेयर, अपने लंबे बालों पर उसे बहुत गर्व है, तो किरण इज एक्सट्रीमली प्राउड, वेरी प्राउड, ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से आई एम टू टायर्ड टू वर्क, यहां पर टू और टू अलावा दोनों आगे, तो इस टू की जगह तो सो लग जाएगा और इस टू की जगह दैट लगा करके आई वापस आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह और कैन नॉट भी लग जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम सो टायर्ड, मैं इतना टायर्ड हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर सकता, दैट कि आई कैन नॉट वर्क, ठीक है, दैट आई कैन नॉट वर्क। एक सेंटेंस और देखते हैं, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर लक्षिता के लिफ्ट इट, द बॉक्स
इज टू हैवी फॉर लक्सिता टू लिफ्ट इट. ठीक है ना. तो अब क्या कहेंगे, द बॉक्स इज सो हैवी. ये तो हो गया. अब फॉर लक्सिता, ये सब्जेक्ट यहां पर तो बॉक्स था, यहां पर लक्सिता था, तो इससे पहले फॉर लगेगा, तो फॉर हटा देंगे और यहां पर दैट लगा के सो हैवी दैट लक्सिता. इतना हैवी है कि लक्सिता इस टू की जगह क्या आएगा, कैन नॉट लिफ्ट. द बॉक्स इज सो हैवी दैट लक्सिता कैन नॉट लिफ्ट. इतना जो काफी है और इट भी लगा सकते लिफ्ट इट. ठीक है. तो इस तरह से, तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये रिमूवल ऑफ टू या यूज ऑफ सो दैट एंड टू वाली हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. मुझे विश्वास है आपको पसंद आई होगी. अपने इसको पूरा वीडियो देखा, थैंक्स अ लॉट. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इंग्लिश वाले ओजी और बेल बटन को दबा दें जिससे कि अगला वीडियो का अपडेट तुरंत पहुंचे आपके पास.